गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टेनो शॉर्ट एंड डिक्टेशन। यह डिक्टेशन हिंदुस्तान पत्रिका से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी। भारतीय संसद भवन के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। पुरानी संसद भवन में कामकाज की शुरुआत 18 जनवरी 1927 को हो गई थी और 96 साल बाद यह भवन इतिहास बन गया। आज से यह पुराना संसद भवन कहलाएगा। यह वही भवन है जो ब्रिटिश सत्ता के भारतीयों के सीमित प्रतिनिधित्व का गवाह था और इसी भवन में देश का संविधान तैयार हुआ था। पिछले 73 वर्ष में इसी भवन में लोकसभा और राज्यसभा को देश ने काम करते देखा। यह भवन सदैव गर्व का विषय और प्रेरणादायी विरासत बना रहेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि इस ऐतिहासिक मोड़ पर पुराने भवन की इमारत का डिजाइन तैयार करने वाले ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को याद किया जाए, जिनकी निगरानी में आज से 102 साल पहले पुराने भवन का निर्माण शुरू हुआ था। मंगलवार को गणेश चतुर्थी पर संसद सत्र का नए भवन में शुभारंभ हो जाएगा। यह भवन पुराने संसद भवन के पास ही है। इसमें कुल 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। लोकसभा में जहां 888 सदस्य बैठ सकते हैं, वहीं राज्यसभा में 384 सदस्य आगामी 150 साल की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन को विकसित किया गया है। सोमवार को संसद के विशेष सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि भारत की संसदीय यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि विधायी निकाय में नागरिकों का विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन में पहली बार अपने प्रवेश को भी याद किया। देश के तमाम पूर्व और वर्तमान सांसद भी यादों के एक सिलसिले से गुजर रहे होंगे। प्रधानमंत्री ने स्वाभाविक ही कहा कि इस इमारत को अलविदा कहना भावनात्मक क्षण है। इसके साथ कई खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। हम सभी ने संसद में मतभेद और विवाद देखे हैं, पर साथ ही हमने परिवार भाव भी देखा है। ये सारी हमारी साझा यादें हैं, हमारी साझा विरासत हैं और इसलिए इस पर हमारा गौरव भी साझा है। प्रधानमंत्री का ऐसे कहना बहुत मायने रखता है। नए भवन की चर्चा भले ही पिछली गठबंधन सरकार के समय शुरू हो गई थी, पर नए संसद भवन का श्रेय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया जाएगा। उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण का भारी खर्च उठाने का साहस किया और इसके लिए उन्हें तीखी आलोचना का भी सामना करना पड़ा। अब यह सब इतिहास में दर्ज है। आधुनिक देश की जरूरत के हिसाब से नई संसद का निर्माण देश के लोकतंत्र को ही मजबूती देगा। बढ़ती आबादी के चलते जब लोगों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की ज़रूरत पड़ेगी, तब नया भवन ही नई ज़रूरतों की पूर्ति करेगा। आज देश में जनप्रतिनिधित्व को विस्तार देने की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। इस कार्य को ज़्यादा
टाला नहीं जा सकता। आज एक एक सांसद को लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। मोटे तौर पर अगर आंकड़ों को देखें तो साल 1951 में लोकसभा का हर सांसद औसतन करीब 7.36 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था और अब एक एक सांसद के पीछे 25-25 लाख लोगों की जिम्मेदारी है। बेहतर और व्यापक प्रतिनिधित्व से देश के विकास में भी तेजी आएगी और समाज में संतोष की भावना को भी बल मिलेगा। जितने साहस और दृढ़ता के साथ नए संसद भवन का विकास हुआ है, उतने ही साहस और दृढ़ता से नए भवन की संपूर्ण सार्थकता सिद्ध करने के कदम सरकार को उठाने चाहिए। रूस के सरकारी समाचार पत्र तेगलीचे रुंदचा ने कहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत से जाते हुए कई विवादास्पद मामले छोड़ गए हैं जो काफ़ी विस्फोटक है और जिनके विस्फोट पर ब्रिटेन को यह कहने का मौका मिलेगा कि हिंदुस्तानी हमारे पथ प्रदर्शन के बगैर काम नहीं चला सकते। इसमें दोषारोपण को व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रखें तो यह बात सोलहो आना सही है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ से अपना राज उठाने से पहले यहाँ ऐसी स्थिति पैदा करने का सरंजाम किया जो हमें नष्ट ही कर सकती थी। निसंदेह इसी का परिणाम था जो भारत अखंड न रहकर विभक्त हुआ और भीषण सांप्रदायिक नरसंहार के कुदृश्य देखने पड़े। यही नहीं बल्कि रियासतों के ऊपर से सार्वभौमता उठाने की घोषणा करके पाकिस्तान की ही तरह राजस्थान बनाने का परोक्ष प्रोत्साहन भी दिया गया, किंतु भारत सरकार और ख़ासकर सरदार पटेल को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी बुद्धिमत्ता एवं चतुराई से वह स्थिति बचा ली गई। लेकिन हमारे लिए इसमें जहां खुश होने की बात थी, मालूम होता है अंग्रेज़ों की सोची हुई रचना से अन्यथा हो जाने के कारण उन्हें यह रुचिकर नहीं हुआ और अंग्रेज़ों की सह से भारतीय राष्ट्रीयता एवं भारतीय एकता के विरोधी बने हमारे प्रतिस्पर्धी राष्ट्र पाकिस्तान के लिए तो यह अरुचिकर ही नहीं, असहाय होना भी स्वाभाविक था। कश्मीर के मसले में अंग्रेज़ों का जो रुख संयुक्त राष्ट्रीय परिषद में रहा, उसको देखते हुए हैदराबाद के मामले में भी उससे अन्यथा रुख की आशा नहीं की जा सकती थी। परंतु ब्रिटिश लोकसभा में विरोध पक्ष के नेता श्री चर्चिल द्वारा हैदराबाद का प्रश्न उठाए जाने पर प्रधानमंत्री श्री एटली ने जिस असंदिग्ध रूप से उसे हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला कहकर मामला ख़त्म कर दिया था, उसके कारण यह आशा कम थी कि आगे मौका पड़ने पर भी वह यही रुख नहीं रखेगा। शायद इसीलिए ब्रिटिश वकील मांकटन द्वारा निजाम की मदद चर्चिल पंथियों से और पाकिस्तान से निजाम के छिपे खुले संपर्क आदि बातों को हम महत्व नहीं देते रहे। लेकिन ब्रिटिश लोकसभा की हाल के हैदराबाद चर्चा और संयुक्त राष्ट्रीय परिषद में अंग्रेजी रुख बताते हैं कि निजाम का धन अंदर ही अंदर खूब
काम करता रहा है। थैंक यू।